टपाक की बात है वरना हालात तो कुछ और थे। फौजी आज शिवरात्रि आप हमारी तरफ आ जाएंगी। फौजी आज के दिन कुछ पकाया जी आपकी मुंतजर थी कुछ लगेगा। चलो बेटा हमारे साथ चलो। नहीं दादी हमें अपने हालात में खुश रहने की आदत पड़ने है। वहां जाएंगे तो जला मैं इसीलिए आपके साथ नहीं आ रही थी। फौजिया हमेशा मेरे बारे में शुभ रही थी। चलो नहीं हाँ ये तो बता हवेली की तरफ से आया था। सब आए अभी गए और कोई सवाल? ले लो मेरा पेट खा। कमाल के पड़ोसी हैं किसी ने भी हलवा नहीं दिया। किराएदारों से लोग जल्दी के रिश्ते नहीं जोड़ते हैं। उनका ख्याल होता है कि आज यहाँ है कल कहीं और होंगे। पुराने घर में तो आज के दिन हलवों की लाइन। जब यहाँ भी पुराने हो जाएंगे ना तो हलवों की लाइनें लग जाया करेंगी। बात बात पे आप पुराने घर को क्यों याद करते हैं? सोचा जाए तो इतना बहाना हमारे लिए भी काफी है। हम क्यों ना गए हवेली? मैंने आपको बांध के नहीं रखा। बहुत दिल कर रहा ना जाने को तो हुआ है। मैंने तो तुम्हारी बात का जवाब दिया। अम्मी अब हुआ है आप अपने दुखड़े लेके आज हलवा लाई। अरे बेटा अपने हलवे में हमारा हलवा भी शामिल कर। जी 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 आंटी जरा से थोड़ा सा चाय भी पिलाओ। मैं अभी लेके आती हूं। और सुनाए आप आपकी तबीयत ठीक है? ये लो उन्हें शुक्रिया।
फौजी हम इतने हलवे का क्या करें? अगर अपनों ने रिश्ता तोड़ दिया है तो बेटा बाकी लोगों ने तो रिश्ता ही तोड़ा, वो तो आएंगे और भेजने वाले का ये मसला नहीं है कि हमने अलवे का क्या करना है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम सलाम। उतर इधर तक मेरी तरफ। जी। इधर देखो घर में तो रौनक करो, आज बरात है। खाला रौनक वो से होती है ना जिसका कागज नहीं सुना होगा। तू सच्चा पुत्र, तेरी बात सच्ची। बहन जी आप भी हलवा ले। इधर देखें भाई, इधर तक है। पुरानी रस्म तोड़ दो, हम निकाह जब तक जिंदा है ना सांस की तरह आती जाती रहेगी। ओ प्यारा मीना, बात ही सारी सांसों की है। हम तो जब तक आप उम्र का नाम ना ले तो सांस ही नहीं चलता। तू अब दूर का काम छोड़ दे भाई बच्चा, तुझे सांस की तकलीफ हो गई है। हाँ, अपना फायदा सोचना कि मैं बुखारे की दुकान डालू या वो मेकअप की दुकान डालू। ओ रहीम बख्शा, तुम लोग बात बात पर उलझ जाते हो। ऐसे ही बाबूजी, तुम ये बताओ ये क्या लेके आए बरात में? इस वजह से हर दफा सारे महल में हलवा जाता है, तो क्या इस दफा नहीं जाएगा? रही बात, ओए ओए अपना कात, इतना ऊंचा ना करते जाओ। ये तो बतवाए साहब ने जी, ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? ठीक कहा गया मालिक में, सारे गम सारी उदासियां आतिशबाजी के साथ जला दो, अनार जला दो, सबको हलवा खिला दो। मामा जी कभी कभी बेवकूफी भी अकलमंदी बन जाती है। ओए फीके के मामे का घर हो और उसमें रौनक ना हो यार, मुझ पे लानत पाओ यार। खुदा को याद करके फारा, तेरे बच्चे बहुत ज्यादा मिल जाते, मगर आज त्योहार के दिन तो यहाँ आकर खोला, उस
घर में खोल लेती तो ये इस काबिल ना रहता कि इस इंसान भी इस्तेमाल रखे। वैसे फौजिया तुमने बड़ी अकलमंदी का सबूत दिया है। हमारे चेहरे कुछ खेल से लगे। यही तो आजादी और गुलामी का फर्क। तुमने क्यों रहा? मैं दरअसल कुछ और सोच रहा था। तो ये सोचे तो आप लोगों का पीछा तब छोड़ेंगे जब आप लोगों के जाती मकान होंगे। फिर उन मकानों को आप घर से अच्छा चाय पीजिए और सियासत बात। मुझे आप लोगों की बात हम लोग जो किराए के मकानों में दर बदर फिर रहे हैं क्या मुकदर है? क्यों वो हमारा मुकदर है? मुकदर तो नहीं पर वही वाला दिखती है और वही हमारा मुकदर है। मुकदर के लिखे को हम कैसे शुक्र मंजूर भाई आप भी बोले। मैंने तो बड़ी दफा की कोशिश की पर मंजूर को मेरा बोला मंजूर ना था। हवेली पर हम लोगों का हक नहीं है? हाँ जब तक बाबूजी हवेली में तब तक तो हवेली बाबूजी की मलकियत है। देखो सर मेरी बात इतना मंजूर पता नहीं आपके अंदर बेट बनानी कब आए। आप तो अपनी बर्बादी पर भी इतमान से चैन की बात फौजिया ने जो बात की है बिल्कुल ठीक है। हमें हवेली से कुछ मिलना चाहिए। कुछ सब कुछ मिलना चाहिए जो हमारे हिस्से बनता है। वो लोग कौन वो लोग? बाबूजी और जमशेद ये है वो लोग। अगर वो लोग हवेली पर कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं तो कीमत लगा के हमें हवेली से रखने दे ताकि तीन बर्बाद खानदान इज्जत से छत के नीचे तो रहे। ये मंजूर मेरी बहू ने कहा है वो मेरे पोते पोते रखा है। रात है मेरे दिल में ठंड पड़ गई। जब से पहले खुद आए हैं फिर बहू बच्चों को ले आए। बैठो ना बैठो 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 शाम बैठो इधर बैठो। मैंने तो बुरा नहीं बनाया तुम्हारे जाने का। आप तो लोग आप कोई गिला शिकवा नहीं। बाबू जी हम आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। यही बात है मजदूर बेटा माफी क्या मांगनी और तुम लोग क्यों माफी भाई जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ। बेटा इस आदमी को फिर से हरा करता हूँ। यहाँ से बच्चे खेला करते थे और हम सब मिलकर चाय पिया करते थे। कितनी रौनक थी। जब से जी बेटा रौनक का आगाज करो मांगने के लिए चाय बनवाओ। शर्मिंदा नहीं है बाबूजी। मैं माफी की तलखियां नहीं दोहराऊंगा क्योंकि क्योंकि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो ना ही तो हम भूले और ना ही वो शाम आई। तेरे बेटा मोहब्बत अगर मेरी खता है तो मैं उसके लिए माफी और फिर देखो ना और आज से मोहब्बत तो हर बात लेने करते हैं। बाबूजी बात दरअसल यह है कि असल क्या असल मैं तो तुमसे माफी मांगता बेटा। और क्या क्या तुम लोगों की जोड़ियां अभी तक क्योंकि तुम्हारी लहजे की तलाशी अभी तक। बाबूजी हम तीनों भाइयों की ख्वाहिश है कि ये हवेली फरोख्त करके हमारा जो हिस्सा बनता है वो दे दिया जाए। क्या कहा तुमने? मुझे यकीन नहीं था मुझको। अरे तुमने तो खून की चूरी ही फेल कर दी। बाबूजी आखिर हम लोगों ने भी तो जीना और इस हवेली को मैं तो बनाया जिसके माथे पर तुम्हारे दादा के नाम की तख्ती लगी है और इस आदमी को भेज दूं
तुम्हारी माँ, अरे तुम्हारी माँ भी हाथ आई थी। और मैं इस सता मोहम्मद का क्या करूँ? क्या करूँ मैं इस सता मोहम्मद का? जेल में मरना चाहता है, इसी घर में मरना चाहता है वो। मत भूलो के तुम्हारी माँ का साया आज तक इन्हीं दोनों की मार पर बंधा है। ऐसा तो हुआ करता था जी। मत भूलो तुम इसी घर में बहुत जला सीखा, तुम्हारे बच्चों ने नजर मिल जाए इसी घर में। और मंजू तुम छोटे छोटे से थे, अपने बाजी के साथ क्रिकेट खेलते थे इसी आंगन में, और आज फिर अपने बाजी को आउट करने आ गए। बाबूजी आप तो खामा जज्बाती हो रहे हैं। कुछ झूठ कहा मेरी इस हवेली की तरफी मां मेरा बस खानदान की तारीख है, और तुम जुग्राफी को ही बिटाने आ गए जहां इस तारीख ने चला लिया। ऐसा तो होता है बाबूजी। ऐसा नहीं होता। अरे मैं तो जिंदा ही इस ख्याल से हूं कि मेरे बेटे, मेरी बहुएं, मेरे पोते पोते वापस आ जाएंगे। बाबूजी ये बहस नहीं है, ये बहस तुम्हारे लिए फजूल है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर नजर आ रही है युवा, और तुम इन दरों दीवार को गैरों के सुपुर्द कर रहे हो। मेरी तरफ माँ की कब्र का सौदा करके हिस्सा बांटो। माँ की कब्र पर तुम्हारा हक है। माँ जो तुम्हारी